नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आप अमेजोन पे का यूज करते हैं, अमेजोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग अमेजोन पे में बैलेंस को ऐड करके रखा होगा, पैसा को ऐड करके रखा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि आपने जो भी अमेजोन पे में बैलेंस को ऐड करके रखा है, इस बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से अमेजोन पे बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप अमेजोन पे बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो तुरंत ट्रांसफ़र होगा। इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगता है, कोई भी समय आपको नहीं लगता है। चलिए हम डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अमेजोन ऐप को ओपन कर लिया है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है अमेजोन पे, तो हम यहाँ पर अमेजोन पे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी अमेजोन पे में बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे में अमेजोन पे में जो भी बैलेंस है यहाँ पर शो कर रहा है। अब इस बैलेंस को, अमेजोन पे बैलेंस को डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीका से हम ट्रांसफ़र करेंगे, चलिए आपको हम डिटेल में बताते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अमेजोन ऐप को क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर ऐप पे ऐप को ओपन करना होगा। ऐप पे ऐप में किस तरीका से हम अकाउंट बनाते हैं, KYC कैसे करते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी अमेजोन पे में बैलेंस है उस बैलेंस को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी अमेजोन पे में बैलेंस है उस बैलेंस को आपको ऐप पे के वॉलेट में ऐड करना होगा। उसके बाद आप आसानी से ऐप पे वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐप पे के वॉलेट में जो भी मेरा अमाउंट है यहाँ पर वह अमाउंट शो कर रहा है। हम इस अमाउंट को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो जो भी आपका अमेजोन पे में बैलेंस है, जितना भी आप अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, आप उस बैलेंस को पहले ऐप पे के वॉलेट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप आसानी से इस वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफ़र कर पाएंगे किसी भी बैंक अकाउंट में। चलिए हम यहाँ पर किस तरीका से अमेजोन पे बैलेंस को ऐप पे के वॉलेट में ऐड करेंगे आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नीचे में पे के बगल में ऐड लिखा गया है, आप ऐड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट फिलअप करेंगे, जितना भी आप अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए 50 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में, तो हमने यहाँ पर 50 फिलअप कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जितना भी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं आपको यहाँ पर चार्ज लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप यहाँ पर 100 रुपये तक यदि ट्रांसफ़र करते हैं अमेजोन पे बैलेंस को तो यहाँ पर आपको 5 रुपये चार्ज देना होगा। लेकिन यदि आप 100 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में, तो फिर आपको यहाँ पर 15 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर 100 रुपये तक 5 रुपये में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी लगता है। चलिए हमने यहाँ पर 50 फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। चलिए हम ऐड मनी पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, यहाँ पर आपको वॉलेट दिख रहा है, आप यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम वॉलेट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अमेजोन पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमेजोन अकाउंट में लॉग इन करने के लिए आ गया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से अमेजोन को आप लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर अमेजोन का पासवर्ड फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहां पर हमने फिलअप कर दिया। इसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, यहां पर देखिए समय चल रहा है। अब आपके मोबाइल पर मैसेज मिला होगा, नोटिफिकेशन आया होगा। आप जो भी मैसेज मिला है आप उसे ओपन कर लेंगे। चलिए हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह मैसेज आया हुआ है, चलिए आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, आपको यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है
थैंक यू, साइन इन अटेम्प्ट वाज अप्रूव्ड। और यहाँ पर देखिए आपका ऑर्डर टोटल यहाँ पर देखिए 55 रुपये का यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम पे नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका मनी ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। चलिए हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं इसको। यदि आपका बैलेंस यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए हम रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों यदि आपको रिफ्रेश करने पर भी यहाँ पर बैलेंस ऐड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है या फिर आपको ऐप को क्लोज कर देना है। क्लोज करके फिर दोबारा आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐप पे के वॉलेट में बैलेंस को ऐड दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के बगल में पे लिखा गया, आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। चलिए हम पे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर सबसे आसान तरीका है UPI के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करना। तो हम यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए UPI में भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर UPI। तो आप यहाँ पर यदि गूगल पे का आपको UPI ID मालूम है तो आप गूगल पे का UPI ID यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, पेटीएम का UPI ID फिलअप कर सकते हैं या फिर फ़ोनपे का UPI ID फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपका जो भी UPI ID है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का यदि आपका UPI ID है तो आप यहां पे वह UPI ID फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक UPI ID यहां पर फिलअप करते हैं। यहां पर हमने एक UPI ID फिलअप किया है जिस बैंक में हमको अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। यहां पर हमने UPI ID फिलअप कर लिया है। इसके बाद आप यहां पर नेम पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर जैसे ही नेम पर फिलअप करते हैं, नेम पर क्लिक करेंगे, यदि यह UPI ID सही होगा तो यहां पर उसका नाम आ जाएगा जिसके नाम से यह UPI ID होगा। इसके बाद आप यहां पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहां पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। यहां पर देखिए मेरे वॉलेट में अभी 266 रुपये दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जितना भी आपका ऐप पे वॉलेट में अमाउंट है उसमें से आप 11 रुपये छोड़ करके बाकी सारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पर मान लीजिए 266 रुपये मेरे वॉलेट में है तो हम इस वॉलेट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो हमने यहाँ पर 255 रुपये फिलअप कर दिया है क्योंकि आपको 11 रुपये यहाँ पर रखना होगा ऐप पे के वॉलेट में। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रिमार्क में डिपॉजिट लिख देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना MPIN फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हमने MPIN फिलअप कर दिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। यह देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके वॉलेट बैलेंस से आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐप पे के वॉलेट में। उसके बाद आप ऐप पे के वॉलेट में जो भी आपका अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के लिए दिखा देते हैं। यह हमारे अकाउंट में जो हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है UPI ID के माध्यम से वह ट्रांसफ़र हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पर ऐप पे ऐप को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूको बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है और यहाँ पर मेरे अकाउंट में यह ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 255 रुपये जो हमने यूको बैंक में ट्रांसफ़र किया था UPI ID के माध्यम से वह ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखे यूको का M-Passbook ऐप को ओपन किया है। यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि हमारे अकाउंट में यह पैसा आया है फिर नहीं आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 255 रुपये जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था UPI के माध्यम से यह देखिए क्रेडिट कर दिया गया है मेरे अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग यहाँ पर अमेजोन पे बैलेंस को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कभी कभी यहाँ पर अमेजोन पे बैलेंस को आप ऐड करेंगे ऐप पे के वॉलेट में तो ऐड होने में कभी कभी समय लगता है। तो आप यहाँ पर वेट कर लेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।